ग्रोइंग स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से हम प्रगति कर रहे हैं इसका कैसे पता करें इसका क्या है? इसका क्या आशय आशय है? है कि हमारा कृष्ण के साथ जो हमारे संबंध है कनेक्शन है वो मजबूत होना चाहिए क्योंकि संसार में हम जब तक रहेंगे तब तक समस्याएं आती रहेंगी आशातीत समस्याएं आएंगी प्रॉब्लम कम बट वी रियलाइज कृष्णा इज देयर जैसे एक छोटे बच्चे के बहुत सारी समस्याएं आती है पर उसको पता है मम्मी है पापा है कोई चिंता की बात नहीं है वो हमेशा हंसता रहता है तो वैसे ही भक्ति में जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन के हर आयाम में हर कदम पे भगवान की अनुभूति करनी है इंटरनलाइज डीपर कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ सामान्यतः तो लोगों के लिए भगवान क्या है कल्पना है या भगवान पे एक शक्ति है जो सृष्टि को चला रहा है लेकिन भक्तों के लिए क्या है भगवान एक व्यक्तित्व है जिनके साथ हम प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति करने का अर्थ है कि हम हमारी समझ की क्षमता बढ़ जाती है प्रकृति के तीन गुण हैं, जब व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित होता है तो उसकी कैपेसिटी सही नहीं रहती क्षमता वो कुछ का कुछ समझता है उल्टा पुलटा समझता है वो और बहुत ज्यादा सेल्फ पिटीजोन मतलब खुद के ऊपर इसको दया आती है और वो लगता लगता है कि इनके कारण मैं परेशान हूं उनके कारण परेशान हूँ सबको दोष देता है वो लेकिन जब रजोगुण में होता है तो ओवर एस्टिमेट कर लेता है अपनी क्षमता को मैं सब कुछ कर दूंगा मैं सब सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा मैं इनको ठीक कर दूंगा उनको ठीक कर दूंगा लेकिन जब शत्व में होता है तब समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है तो कम से कम व्यक्ति को चाहिए कि वो शत् में स्थित हो रियलिस्टिक हो और अपने वास्तविक स्थिति से अवगत हो तो भक्ति में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कम से कम हम में स्थित होंगे तो समस्याएं तो आएंगी रिवर्सल्स तो आएंगे एडवर्सिटीज तो आएंगी क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया आज तक जिसके जीवन में समस्याएं न आई हो लेकिन हमारे पास भगवान की कृपा से एक शक्ति भी होगी उन समस्याओं को पार करने की तो इसलिए कभी यह हमें नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने से समस्याएं सब अपने आप ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी समस्याएं होंगी लेकिन उन समस्याओं के पास सामर्थ्य नहीं होगा हमें विचलित करने की हमें व्यथित करने की यम ही ना व्यथियंत पुरुषम पुरुषर सभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृत त्वाय भगवान गीता में इस दूसरे अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में कहा बाहुबली शक्तिशाली होने के बाद भी उनकी पत्नी का अपमान किया गया द्रौपदी का अपमान किया गया पांच गांव देने को तैयार नहीं है सुई की नोक बराबर जमीन देने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए युद्ध करना असंभावी हो गया युद्ध करना पड़ा लेकिन कृष्ण के साथ उनका कनेक्शन था इसीलिए वे विजयी रहे तो हम भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से ऊपर उठकर कम से कम शतुगुण में होंगे और हम भगवान की अपने जीवन में उपस्थिति का अनुभव करेंगे और हम देखेंगे कैसे भगवान ने हमारी सहायता यहाँ की यहाँ की आगे भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे तो इसका अर्थ है कि हम प्रगति कर रहे हैं प्रगति करने का अर्थ केवल श्लोकों को याद करना नहीं है और माला की केवल संख्या बढ़ाना नहीं है ठीक है वो हो सकता है किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है तो जल्दी जल्दी याद कर लेता है या कोई माला जप लेता है बहुत ज्यादा वो हो सकता है लेकिन एकमात्र पैरामीटर वो नहीं है जैसे बहुत सारे नॉलेज बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लोग स्टोर करके रख लेते हैं अपनी खोपड़ी में लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं तो एक होता है डॉर्मेंट डनरी डॉर्मेंट नॉलेज और एक होता है एक्टिव नॉलेज यानी उस ज्ञान के खजाने में कितना आपके काम आता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है वैसे ही सभी शास्त्रों का निचोड़ है भगवान का हमें सतत स्मरण रखना चाहिए भगवान को भूलना नहीं चाहिए तो जो व्यक्ति इस चेतना में है इस भावना में है हमेशा बना हुआ है तो उसे जीवन का लक्ष्य पता है पर्पस पता है तो छोटी छोटी समस्याएं आने से वो विचलित नहीं होता है तब हमें समझना चाहिए कि हां मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा हूं और भगवान की मेरे ऊपर कृपा है शीला प्रभुपाद की जय